बुलंदशहर की सयाना कोमल स्टेट लेवल कबड्डी प्लेयर थी। 3 मार्च का मामला है। रात में पेट में दर्द होने से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लखावटी पर भर्ती कराई गई। डॉक्टर को दिखाने के बाद वहां से रेफर जिला अस्पताल के लिए कर दिया गया। जब कोमल के परिजनों ने कोमल को अस्पताल में भर्ती कराया तो डॉक्टर कहने लगा, कहां से चले आते हैं, आराम भी नहीं करने देते। उसकी मम्मी रोती रही। जिला अस्पताल बुलंदशहर में भर्ती कराने के लिए दर दर भटकती रही। काफी तेज दर्द होने के कारण डॉक्टर ने अपने कंपाउंडर से कहा, एक इंजेक्शन लगवा दो ताकि दर्द कम हो जाए। कंपाउंडर ने इंजेक्शन लगाया। कोमल नेशनल प्लेयर कुछ ही देर बाद कोमल का चेहरा काला हो चुका था और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मम्मी चिल्लाती रही कि मेरी लड़की को डॉक्टर साहब ने मारा है, गलत इंजेक्शन लगाकर। उसकी शिकायत स्थानीय कोतवाली में की और एक पत्र डीएम साहब को भी दिया और एसएसपी को भी दिया। अभी तक कहीं भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करने के बावजूद भी अभी भी दर दर भटक रही है। न्याय दिलाने के लिए नेशनल इंडिया न्यूज के संवाददाता ने इस पूरी खबर पर पड़ताल की और उसकी मम्मी से बातचीत की। मम्मी ने बताया कि मेरी लड़की नेशनल प्लेयर थी और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कई बार फील्ड ए सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ है। जो आपकी कोमल लड़की थी, आपसे पूर्व में 3 महीने पहले जो एक दर्द उठा था, आपने कहाँ एडमिट कराई थी? उसके दर्द उठा था, मैंने 108 पे फोन किया। 108 गाड़ी लेने के लिए आ गई, ठीक है। लखावटी डॉक्टर के पास गए हम, उन्होंने देख के कहने लगे इसके गुड़िया के दर्द है, इसके मतलब आगे के लिए उन्होंने रेफर कर दिया जिले बुलंदशहर के लिए। तो रेफर कर दिया वहाँ, मैंने गाड़ी वाले ने वहाँ करा, वो कहने लगे कि इसके क्या परेशानी है सर। मैं बोली डॉक्टर साहब इसके दर्द है, कहने लगे कहाँ पर दर्द है, मतलब यहाँ साइड में दर्द है इसके। साहब के पास गई मैं, कहने लगे मैंने कि मेरी बेटी ऐसे से खत्म हो चुकी है और डॉक्टरों की लापरवाही से ना मेरी बेटी को देखा ना कोई अल्ट्रासाउंड, दर्द थम था मेरी बेटी रातों पड़ पाई। कहने लगे ऐसे ऐसे तो खत्म होते ही रहते हैं और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, है नहीं ऐसे हादसे तो होते रहते, मैं क्या लेस इसमें वो ले सकूँ और क्या कर सकता हूँ मैं इसमें, और मैं तुम्हारे कहने से डॉक्टर को जेल भेज दूँ। मैंने कहा सर, मैंने कहा डॉक्टर कहा कि जेल भेज दो, मैं तो प्रयास आपके पास लेके आई हूँ। फिर वहाँ से मैं चली आई, फिर मैंने उनको दिया कप्तान सर को, उन्होंने उनसे मैंने ये बात बताई सारी, उन्होंने कही ठीक है मैं जांच बैठा था, उन्होंने भी फिर नहीं सुनी मेरी। अच्छा, आपने मुख्यमंत्री पोर्टल पे जैसे शिकायत करी है, मैं मुख्यमंत्री पोर्टल से क्या आपको आश्वासन मिला वहाँ से? मैंने मुख्यमंत्री साहब को करा थी, मैंने करी वहाँ से भी, मुझे कुछ नहीं हुआ मेरा, नहीं रिपोर्ट दर्ज हुई डॉक्टर के खिलाफ और नहीं कुछ हुआ। तो शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या उम्मीद रखती है? क्या आपकी जो बेटी खत्म हुई है तो अब तक जो डॉक्टर थे वो डॉक्टर के नाम क्या थे? डॉक्टर का नाम एक तो सचिन कुमार था, तो शाम की ड्यूटी थे, और एक शिवम कुमार है, शिवम रात की ड्यूटी पे। अच्छा, दोनों डॉक्टर से नहीं, मेरे डॉक्टर की एक डॉक्टर की शिकल देखी थी जब भर्ती करा था उस समय, और जब दूसरे डॉक्टर आए उन्होंने भी नहीं देखा। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी बेटी को देख लो, कहने लगे ले जाओ तो दर्द फर्द हो जाती है, बाहर ले जाओ तुम। जब मेरी बेटी खत्म होने को लगी तो जब कहा बाहर ले जाओ, है नहीं। जैसे ही आपने जैसे शिकायत आपके साथ में बेटी के साथ में हुई, आपने सीओ में होता है कि चिकित्सा अधिकारी, उसमें भी आपने प्रार्थना पत्र दिया था? सीओ साहब को नहीं दे पाया, मैं डॉक्टर से कही, सीओ साहब भी मैं गई थी सीओ साहब के ऑफिस में, सीओ साहब नहीं मिल पाए इतना है। फिर मैंने कभी सीओ साहब ने ही कहा कि वो जब मेरी कोई सुनी रहा तो सीओ साहब का सुनते है नहीं, किसी ने नहीं मेरी बात सुनी। मैंने सब जगह दे दिया, नहीं कोई पुलिस शासन ने, नहीं मुख्यमंत्री ने, डीएम ने, नहीं किसी ने। मैं उसी दिन से भागी दौड़ रही हूँ, पर मेरी बेटी खिलाड़ी थी। कुमार कोमल अपना स्टेट लेवल की खिलाड़ी थी, उस 3 महीने पूर्व में उसके गलत इंजेक्शन से डॉक्टर की शिकार हो चुकी थी। पीड़ित परिवार दर दर भटक रहा है जांच कराने के लिए। प्रशासन और शासन इसमें लीलापोती दिखते देखा जा रहा है। डीएम और एसएसपी और सीएमओ इस पर कोई भी जांच कराने के संतुष्ट नहीं है, और उसकी मम्मी ने बड़ा सवाल खड़ा करा है उत्तर प्रदेश की सरकार मुखिया योगी आदित्यनाथ पर। उन्होंने फैक्स करने के बावजूद भी
फैक्स करने के बावजूद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे ही मामले में नेशनल इंडिया न्यूज चैनल की तरफ से हमने पूरी इस मामले की पुष्टि करी और जांच के लिए पूरा सहयोग कराने के लिए इस खबर पर हम पहुंचे। जब पहुंचने के बाद में उसकी मम्मी ने बताया कि इस मामले को लेकर 3 महीने का पूर्व का मामला था, और जब 3 महीने पूर्व का मामला था तो इसकी जांच के लिए हमने डीएम एसएसपी को शिकायत करी, कोतवाली में शिकायत करी, इसमें कुछ भी सामने नहीं आ रहा। पर मुख्यमंत्री को मुख्य पोर्टल पर मैंने शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही।